दिवाली जब रिश्तेदार और मेहमान आपके घर आए और करियर, पढ़ाई और शादी के बारे में सवालों की बौछार करे, तो एक मुस्कान के साथ ये पहेली पकड़ाइए और कहिए, पहले से सुलझा कर आइए, फिर बात करेंगे। आप लोगों ने शतरंज तो खेला होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे खेल रही थी, लेकिन आज की वीडियो में हम शतरंज का एक नया पजल देखेंगे जिसका नाम है छोटा शतरंज। इस छोटे शतरंज का टेम्पलेट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको आप ब्लैक एंड व्हाइट या फिर कलरफुल में कुछ इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। इस छोटे शतरंज को खेलने के बहुत ही सिंपल से नियम हैं। शतरंज के टुकड़ों को इस तरह से बोर्ड पर रखें ताकि कोई भी टुकड़ा दूसरे टुकड़े पर हमला ना कर सके। सभी टुकड़े दिए से बनी सीमा को छू रहे होने चाहिए। आप स्तर के अनुसार टुकड़ों का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि स्तर जो हमारा पहला है उसके लिए हमें 4 वजीर चाहिए और 1 रानी चाहिए। नियम के अनुसार हमें इन वजीर को और रानी को कुछ इस तरह से रखना है कि कोई भी एक दूसरे पर हमला ना कर सके। मान लीजिए हमने इन्हें ऐसे रख दिया, तो आप देख सकते हैं कि सारे टुकड़े जो हमारी दियों से बनी हुई रेखा है उसको छू रहे हैं। हम टुकड़ों को यहाँ पे या फिर यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, सिर्फ इन्हीं जगहों पर रख सकते हैं। दूसरा नियम ये था कि जो शतरंज के टुकड़े हैं वो एक दूसरे पर हमला नहीं करने चाहिए। तो देखते हैं कि क्या ये हमला कर रहे हैं या नहीं। जो रानी होती है वो सीधा चल सकती है या फिर दाएं बाएं चल सकती है, कितने भी कदम। तो उस हिसाब से ये वाला वजीर मर जाएगा, ये वाला वजीर भी मर जाएगा। तो ये सही उत्तर नहीं हुआ। चलो कोई और कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमने इन पीसेस को कुछ इस तरह से रख दिया। क्या अभी सोल्यूशन है? हम देख सकते हैं कि ये वाला वजीर इसको मार देगा और ये रानी इन दोनों वजीर को मार देगी। तो ऐसे हमको कोई सोल्यूशन, कोई उत्तर निकाल के लाना है ताकि ये जो भी टुकड़े हैं ये एक दूसरे पर हमला ना कर सके। अगर आप ये पहला स्तर, पहला लेवल सॉल्व कर लेते हैं तो आप दूसरे स्तर पर जा सकते हैं, जिसमें हमें क्या चाहिए, हमें 2 राजा चाहिए, 2 घोड़े चाहिए और 1 हाथी चाहिए। तो मैं दूसरी स्तर के जो टुकड़े हैं वो भी लेके आ गई हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये 2 राजा हैं। मान लीजिए हमने इन्हें ऐसे रख दिया, हमने घोड़े और हाथी को कुछ इस तरह से रख दिया। तो क्या ये सही उत्तर है? देखते हैं। सबसे पहले तो ये वाला हाथी है ये दिए से बनी जो बाउंड्री है उसको छू नहीं रहा, तो ये गलत पीस है। उसके अलावा यह जो घोड़ा है ये किसी को नहीं मार रहा, यह घोड़ा भी किसी को नहीं मार रहा, यह राजा और यह राजा भी किसी को नहीं मार रहा। ओ, ये वाला घोड़ा इस राजा को मार रहा है। तो इस हिसाब से हमारे 2 पीसेस बाहर हो गए। तो हमें इन 5 टुकड़ों को कुछ इस तरह से रखना है कि कोई भी किसी पे हमला ना कर सके। और अगर आपने ये दोनों स्तर पार कर लिए तो फिर आप तीसरे स्तर में आ सकते हैं, जिनमें हम 6 टुकड़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तीसरे स्तर के लिए हमें चाहिए होंगे 2 राजा, 2 घोड़े और 2 वजीर। इन 6 टुकड़ों को आप देखिए किस तरह से आप फिट कर सकते हैं ताकि कोई किसी पे हमला ना कर सके। अगर आपके पास चेस के टुकड़े नहीं हैं तो ये जो टेम्पलेट है इसके नीचे जो हमने बड़ा बड़ा डायग्राम दे रखा है, आप इन्हीं पीसेस को काट के भी अपने बोर्ड पे यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ये पीसेस कुछ इस तरह से काट लिए हैं और हम इनसे भी अपना छोटा शतरंज वाला पजल खेल सकते हैं। अगर आप ये तीनों स्तर पार कर लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, उस पर आप अपने फोटोग्राफ्स सेंड कर सकते हैं। अगर आपने ये तीनों स्तर अच्छे से सॉल्व कर लिए तो हम आपको लेवल 4 और लेवल 5, स्तर 4 और स्तर 5 का भी लिंक भेजेंगे। वो थोड़ा डिफिकल्ट है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सबसे पहले इनके सही उत्तर देता है। शुभ दीपावली।